अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको हानिया के साथ इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि इसके दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट्स आपने देख लिया है, आज हम आपको इसका दूसरा पार्ट दिखाते हैं। हानिया के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? तारिक नाम है। तारिक साहब, ये बताइए कि ये जब निकाह हुआ या जब आपकी बेटी कराची में रहने लगी, तो आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी ने आमिर लियाकत से निकाह कर लिया? सर, ये रमज़ान में जो है ना, रमजान से पहले आमिर साहब आए थे घर में ना। अच्छा, आपके घर आए थे? हमारे घर आए थे। ठीक है। से मैं जुमेरात को जो है ना वापस आऊँगा दोबारा। ठीक है। तो मेरी घरवाली से उन्होंने बात की, उन्होंने रिश्ते के बारे में कि रिश्ता दें, इसने मुझे बताया। तो बेटी मेरी ने भी कहा उन्हें, तो वो कहने लगे जी मैं दोबारा आऊँगा, तो फिर जो है ना वापस। इनका निकाह नहीं हुआ था अभी? नहीं, वो निकाह हुआ था। हानिया बताएं, उस वक्त जब ये रिश्ता था, निकाह हुआ था। आपको नहीं पता था? निकाह हुआ था इनका, लेकिन हमें पता नहीं था। ओके, ठीक। वो जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, वो गुंगलुआ तो मिट्टी लाने वाली गल जी, ठीक है, कि वो जो है ना ये काम कर रहे थे। तो इसने जो है ना, रमजान का महीना आ गया, वो जुमेरात को नहीं आए आमिर साहब। जुमेरात अपना रमजान आया, तो रमजान में इसने कहा कि जी आप नहीं आए, तो आप, हाँ शिवरात थी, तो इन दोनों की आपस में तलख कलामी हुई ना। ये कह रही थी ओपन करो, वो कह रहे थे चुप करो। ये कह रही थी ओपन करो, वो कह रहे थे अभी चुप करो। यानी दुनिया को बताओ कि हमारा निकाह हुआ है, तो वो अभी नहीं मान। आस्ता आस्ता इनकी जो है ना कि लड़ाई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो उस पर फिर हमें पता चला कि ये इनका निकाह हुआ है। ये इसलिए जोर दे रही है कि तुम जो है ना, मैं माँ बाप से चोरी की है, तो मेरे माँ बाप को पता चले कि मैंने अभी गलती कर दी है, इस गलती को मैं जो है ना बचा लूँ अपने आप से, कि माँ बाप को पता चल गया तो ये नाराज़ होंगे मेरे साथ, या शायद रिश्ता ख़त्म कर दें। तो इनका दिन ब दिन जो है ना ये तलकलमी बढ़ती। ठीक है, जहाँ तक बात हो गई, जब आपको पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था? आपने अपनी बेटी से क्या कहा, या आमिर से कब मिले पहले, अपनी बेटी से क्या कहा? नहीं, आमिर तो चला गया था जी, तो मैंने इससे इसी पे गुस्सा किया हानिया पे, कि मैं कहता तुमने जो काम किया है, मैं अच्छा नहीं किया, मैंने बताया तुमने ये तुमने गलत किया है, तो कम से कम हमें बताती, हम बीच में बैठे होते। तो काफ़ी जो है ना बेटियों के लिए बहुत आसरा होता है कि जब सारे बैठे होते हैं ना, अभी मैं अगर वो कह देता जी मैंने नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। तो वही उसने किया, को डिनाई करता रहा कि जी नहीं है नहीं है नहीं है। फिर कराची ये चली गई, लाहौर गई, कराची चली गई, कराची जाके इसने शोर शराबा किया। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, देखें भाई कि जो काम इसने किया वो 10 मर्द भी मिलकर कर सकते, कि ये अगर कुछ चीज़ थी तो इसने इतना शोर किया। ये लाहौर पहुंची, लाहौर से कराची पहुंची, एक्सप्रेस न्यूज़ के बाहर पहुंची, उधर जाके इसने शोर शराबा। अच्छा, तारे साहब ये बताएं, जब इसने ये मीडिया पे आना शुरू होगी, इसने शोर वोगा शुरू किया, अपना हक लेने के लिए इसने शोर मचाना शुरू किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यू दिए, आपको पता चला, तो फिर आपसे आमिर लियाकत ने रब्ता किया, तो क्या कहा उसने? आप आपको सुना कोई धमकी वमकी दी या प्यार से आपसे बात? वही मेरे साथ इसने जो है ना धमकी दी मुझे, मैं पुलिस भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो इसी बात में जो है ना मैं गिर गया था घर में, तो ये सारे जो यानी आप गिर गए? हाँ, मैं गिर गया, सदमे से गिर गया मैं। तो ये भी मुझे पता चला कि ये भी इसने काम गलत कर लिया, मैं बताए बगैर की है, अभी ये इस तरह की बातें कर रहा है, तो मैं गिर गया। मेरी तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई। एक सेकंड बाबा, फिर बात करना। बाबा अगर जब गिर गए ना, तो बाबा भी खुद बेहोश, बाबा की सांस नहीं आ रही थी, तो मैंने जब फोन किया, मैं इनके पास की, तो मुझे मेरी बनोई ने कहा कि तुम ना बाहर दफा हो जाओ, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो निकलो, तुम इनके पास नहीं आओ। तो फिर मैं जब कमरे में गई, तो मुझे मेरी बहनों ने निकाल दिया बाहर, तो मैं रोने लग पड़ी। फिर मैं छत पर जाकर मैंने फोन से डॉक्टर साहब को फोन किया, मैंने कहा कि बाबा की ये हालत हो गई है, तो पापा बहुत सांस नहीं आ रही, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि लगता है कि टेंशन की वजह से ना हार्ट अटैक ना कहीं आ जाए ना, तो बहुत मैं परेशान हूँ, कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह इन्हें सदमा लिया, डेथ भी हो सकती है। तो मुझे कहता है सब कुछ तुमने किया, सब कुछ सारा कसूर तुम्हारा है। तो फिर उसने फ़ोन किया मुमताज़ को, सैयद मुमताज़ बुखारी को, अपने ड्राइवर को, कि जल्दी से जाओ, जाकर अंकल को लेकर जाओ हॉस्पिटल। तो फिर वो वॉइस मैसेज भी है कि जो कह रहा है कि आप जल्दी से तुम लेके जाओ हॉस्पिटल, उन्हें मुमताज़ लेट हो जाएगा, और रक्षा और टैक्सी वहाँ पे खड़ी करना। तो फिर उसने मुझे कहा कि देखो, मुझ पर फ़ोन पे समझाया, मुझे कहता है देखो मैंने तुम्हें कहा था कि खामोशी से वेट कर लो ईद तक, तो तुम अगर ईद तक ना ये सब कुछ करती, मेरा रमज़ान का शो होने दो,
मुझे करने दो, उसके बाद फिर ना मैं आके हम घर बैठ के सुकून से बात करेंगे, तो तुम इस तरह से नहीं करो। अच्छा, मैं इससे पहले कि तारिक साहब से अगला सवाल पूछूं, आप, मैं हानिया से ये बात पूछता हूँ कि हानिया, आप हर दफ़ा कहती हैं कि मेरे पास ये भी सबूत है, मेरे पास ये वॉइस रिकॉर्डिंग है, मेरे पास ये तस्वीर, आपकी एक छोटी सी दुनिया एक मोबाइल फ़ोन है, अगर ये कोई दो आपको तफे लगा के थप्पड़ लगा के आपसे ये छीन ले तो आपके सबूत सारे कहाँ जाएंगे? मेरे मोबाइल वो छीन चुके हैं एक्सपास टीवी के भाई। अच्छा, जो मेरा फोन है ये मुझे अब्बू ने लेके दिया है, ये वाला मेरे जो ओरिजिनल मोबाइल है एक्सपास टीवी के भाई। कह रहा हूं कि वो अगर आपसे छीन लिया जाए तो आपने इसका कोई बंदोबस्त कर रखा है? पूरे मीडिया में वायरल है वो, मुझे अगर ले भी जाते हैं तो कोई मुझे इशू नहीं है, मीडिया से मैं वहां से डाउनलोड कर लूंगी। जी तारिक साहब, अब आपको, आप उस दिन आपकी तबीयत खराब हो गई और आप बड़े सदमे से दो चार हो गए, फिर आपकी उनसे उसके बाद मुलाकात भी हुई डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से फिर कराची मुलाकात हुई है। आप कराची क्यों गए थे? उन्होंने बुलाया था या खुद गए थे आप? नहीं, मैं डीएसपी और एसएचओ ने कॉल की थी मुझे। अच्छा, क्या आए इधर के? आप आए आके तो अपनी बेटी को जो है ना ले जाएं आके। अच्छा, तो फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, इनके बंधु से पहले मुलाकात हुई रात को, वो पीछे मैं पहुँचता गया हूँ, 10 मिनट गुजरे तो मेरे पीछे पहुँच गए, तो मुझे कहते हैं जी वीडियो बना के दें, आप जिससे भी रब्ता कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है। उसने मुझे, उन लड़कों ने मुझे दो तीन कालें सुनाई ना, मैंने दो तीन बंदों से रब्ता किया तो वो मुझे उन्होंने कालें सुनाई। वो यानी आपने जो कालें की थी उन्होंने किसी तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो मैं, सही बात है, डर भी गया, मैं कहा यार मेरे साथ फैमिली है तो अभी मुझे इनकी बात माननी पड़ेगी। तो मैं फिर सुबह जो है डॉक्टर साहब के पास गया, वो बंदे मुझे लेके गए साथ, उन्हें बाहर एक वेराना ला गया ना, उसमें जो एक प्लाजा बन रहा था उस प्लाजे में बैठे हुए थे अमर साहब, तो बाहर मेरे मोबाइल वगैरह उन्होंने रख लिए, जमा किए, तलाशी वगैरह ली मेरी, लेके तो अंदर लेके गए कि जी ये जो बात आपने करनी है ना, इस तरह जो है ना आपने वीडियो बनानी है। तो मैंने दिल में सोचा, मैं क्या, अभी मैंने बच्चों को लेके भी जाना है वापस इस्लामाबाद, तो इनकी बात मानूँ तो बेहतर है, ले जाऊँगा इन्हें, नहीं तो वरना ये किसी मोटरसाइकिल वालों को बेच के फायरिंग करा के मरवा दें, तो घर भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बेहतर यही है। और फिर मैंने उधर वीडियो बना के दी, बना के दे के मैं इनको ले के तो फिर वापस आ गया। किसी मौके पर उन्होंने आपको पैसा वैसा भी ऑफर किया कि हम आपको इतना पैसा देते हैं? नहीं, कोई नहीं। या आपने कोई उनसे कहा हो? नहीं, कोई नहीं किया। मतलब उनका नहीं, ये भी है ना कि ये पैसे के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा तारिक साहब, वो बल्कि एक उन्होंने की थी कि जब वापस आने लगे ना जी, तो अपने ड्राइवर को कहने लगे कि जी इन्हें 10,000 रुपया जो है ना आपने देना है। तो जब मैं उधर गाड़ी पे आए तो बंदे आ गए, उनके ड्राइवर जिन्होंने, उसने कहा था जिन लड़कों को, वो चले गए थे वापस। अच्छा, तो मैंने उसे फोन करके बताया, मैं कहा जिस बंदे को आपने कहा था ना, मैं कहा वो मुझे नहीं मिले, तो ना ही उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं कि आप गए कि शायद वो 10,000 रुपया ले गया हूँ, तो मैं कहा मैंने नहीं लिए, मैंने उन्हें कन्फर्म कर दिया था, बता दिया था। चले ठीक, जी जी। अच्छा तारिक साहब, अब आप उन्होंने बकौल उनके कि उन्होंने केस कर दिया है और आपकी बेटी भी इसके लिए तैयार है ज़हनी तौर पे, जी जी, आप क्या कहते हैं कि अब बात कहाँ ख़त्म होनी चाहिए, वाकई इसका फैसला होना चाहिए, किसी को सज़ा जजा मिलनी चाहिए, आपका क्या नुक्ता नज़र है? मैं तो बेचारा यही कहता, मैंने उनसे रब्ता भी किया था तो उन्होंने मेरे साथ रब्ता नहीं किया कि बैठ के जो है ना बात को, आखिर सुलह ही होती है हर काम में, सुलह होती है। सही, सुलह किन बुनियादों पर चलें, किस बैठ के आपस में जो है ना आपस में बैठ के बात कर लें कोई, लेकिन उन्होंने ब्लैक लिस्ट में लगाए हुए हैं मोबाइल, कोई रब्ता शाब्ता नहीं। तो मैं अभी कहता हूँ कि जिस तरह वो बातें कर रहा है, जिस तरह उसने की है, तो इस तरह तो अल्लाह ताला हमारे साथ है इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला उसे सजा देगा, अगर इधर दुनिया में नहीं मिलती उसे तो आगे उसे ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा तारिक साहब, अगर बैठ जाएं डॉक्टर साहब बैठ जाएं, मैंने लास्ट टाइम इससे भी ये सवाल किया था, तो सुलह किन नुक्तों पे हो सकती है, किन बुनियादों पे हो सकती है, आपका क्या मुतालबा होगा, उनका कौन सा मुतालबा मान सकते हैं, अपनी कौन सी बात मनवाना चाहेंगे, किस तरीके से मानेंगे, और ये सुलह कैसे हो सकती है, किसी को आप दावत देते हैं कि वो बंदा अगर बैठ जाए तो हम उसके सामने सारा, अब तो सुलह का कोई ऑप्शन नहीं रहा ना। नहीं, मैं आपके वाले साहब से पूछ, नहीं, अब केस में ही फैसला होगा, अदालत में तो होगा। मेरा तो यही है कि आपस में बैठ के इसके साथ जिस तरह उसने इनकार किया, जिस तरह बात की है, वही बात सुनिए, मैं सॉरी आपकी बात कर रही हूं, मैं इनकी बात में जो है ना, अबू एक सेकंड, जो तुबक के फादर को उन्होंने फोन करवाया आपसे जबरदस्ती, मैंने मना भी किया था, वो आप पता है जी, हां इसने अपने तुबक के वालिद को भी कहा था मुझे फोन करें, उन्हें फोन करें जी कि वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, ये है वो है, मुझे पागल बनाया है आमिर ने, मुझे इसने पूरी दुनिया के सामने साबित किया मैं पागल हूँ, तो मुझे सदमा और ये जो मुझे खलाई बरसन करने वाला कौन है? हमने सुनी ना। अच्छा भैया देखें कि इससे पहले बिल्कुल ठीक ठाक थी, जब ये कराची गई है उधर कोई चीज़ पता नहीं क्या उन्होंने खिलाया या क्या किया इसके साथ, ये ज़हनी तौर पर भी परेशान हुई है, टेंशन में रही है कि डिप्रेशन में हुई है,
फिर इधर आगे जो है ना, इधर भी थोड़ा जो है ना, फिर मैं इसको आगे पीछे जो है ना डॉक्टर के पास भी लेके गया हूँ, अपने मौलाना साहब हैं उनके पास भी लेके गया हूँ, कि इसे इसने इतना ज़्यादा सदमा लिया ना इस बात का, टॉर्चर दिया इसको, टॉर्चर की वजह से ये ज़हनी तौर पे ज़हनी तौर पे आपको कर गई और इसने मरने मारने की भी बात शुरू कर दी। तो कुछ था तो इसने किया, अगर ना होता तो कभी भी ना ऐसी करती। जब बाबा मैंने पहली बार सुसाइड की थी तो कैसे वो परेशान हो गए थे, कैसे उनकी सारी रात वो जागते रहे, उन्हें पसीने छूटके होंगे सारी रात, वो तो हीरा के साथ, उमर के साथ, नूर के साथ मुसलसल लापते में थे, मेरे मम्मा के साथ भी, किसी कुछ हो तो नहीं गया। हाँ बिल्कुल ये बात सच है। तो मैंने सुसाइड क्यों की, उन्होंने मुझे इतनी तकलीफ इतनी अजियत दी कि मैं मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, वो एक MNA है और मेरा मुकाबला जो है एक ताकतवर इंसान से है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी फैमिली बदनाम हो जाएगी मेरी गलती की वजह से। इसीलिए मैंने थक हार कर ये फैसला किया था कि मैं अपनी जान ले लेती हूँ, मैंने तब सुसाइड की थी। लेकिन फिर कैसे की थी आपने? मैंने अपनी वेंस कट कर ली थी और मेडिसिन खा ली थी। अच्छा तारिक साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। सारे हम लोग बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं, और कई मरतबा हम बेटियों की वजह से मजबूर हो जाते हैं। वो हमें कहती हैं कि हमें, हमने ड्रामे में काम करना है, हम उनको इजाज़त दे देते हैं। वो कहती हैं कि हमने शोबिज़ में जाना है, मॉडल बनना है, तो हम उनको इजाज़त दे देते हैं। आप ऐसे वालदैन को क्या कहेंगे जिनकी बेटियां ये चाहती हैं कि वो मॉडल बने, वो एक्टिंग करें, वो अपनी पसंद की शादी करें, वो मोहब्बत करें, वो इश्क करें, और वो अपने वालदैन से थोड़ा दूर रहे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही मैसेज दूँगा हर बेटी को कि अपने वालदैन की बात मानें, जिस तरह आपको वालदैन कहते हैं उस तरह करें, कि अपनी मर्जी ना करें, कि अपनी मर्जी जिस तरह अनियन की आप सामने ये सब देख रही हैं इसका हाल, कि ऐसा काम हरगिज़ ना करें जिससे आपके माँ बाप हर्ट हों। तो जो भी माँ बाप कहते हैं उनकी बात माने, उनकी रजामंदी से जो भी काम करेंगी आप, उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा इंशाल्लाह। अच्छा एक और बात, मेरे अब देखें आपका पूरा घर डिस्टर्ब है, आपकी और भी दो छोटी बेटियां हैं, ज़ाहिर है आप रोटी रोजी भी कमानी होती है, अपनी मजदूरी करते हैं। जी जी। तो आप अपने इस घर को क्या समझते हैं कि किस तरह समेट पाएंगे इसको, किस तरह दोबारा अपने घर को घर बना सकेंगे और एक खुशी वाली ज़िंदगी रह सकें? कोई आपके जहन में है कि आप समझते हैं कि आप एक ऐसे समंदर में आपकी छलांग लगा दी है जिसका कोई किनारा नहीं है? बस जी, मैं तो अपने अल्लाह ताला पे मुझे भरोसा है कि वो मेरा मालिक है, खालक भी है, राजक भी है। उसने वादा किया हुआ है कि जिसको पैदा किया उसको रिज़्क देता है वो। तो हमारा काम है कि 5 नमाज पढ़ना, उस मालिक के आगे रोना, उससे मांगे, वही देता है। कोई बंदा किसी को कुछ भी नहीं देता, तो वही अल्लाह ताला हमें किनारे पे भी लगाएगा। ठीक है, मेरा यही जो है ना, यही मैसेज है कि अल्लाह ताला को याद करें। लास्ट मैसेज अल्लाह ताला ही जो है ना। जी यानी आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने अपने बाबा ने मुझे, मेरे पर ट्रस्ट करके मुझे परमिशन दी कि काम करो, तो मैं 5 से काम कर रही थी। लेकिन जब मैं कुछ भी नहीं थी तब मेरे से ये गलती नहीं हुई। जब मैं एक बुलंदियों पे उस पर पहुँच गई, जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक नाम बन चुका था, मैं पूरा मीडिया मुझे जानता था, मैं अच्छा काम कर रही थी, तब मुझसे ये खता होगी और मैंने ये गलती कर ली, जिसका अजारा ना सिर्फ हम लोग तो लड़कियां कर लेती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारी फैमिली को कितनी बड़ी इसकी सज़ा मिलेगी। अब ये तो मैंने किया, मेरी गलती है, लेकिन मेरी बहनों की मैरिड लाइफ पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के, मेरे बाबा जब बाहर जाते हैं तो लोगों की बातें, मैं तो समझती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इन जैसे मुझे बाबा मिले। अगर कोई और बाप होता तो वो अब तक अपनी बेटी को जान से मार दिए। बहुत शुक्रिया आनिया। तो नाज़रीन, ये हमारी इस वीडियो का या इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा था। हम सारे वीडियोस देखते हैं, हानिया की वीडियो लाखों लोग देखते हैं और उसको शायद एंजॉय करते हैं या उससे सबक हासिल करने की कोशिश करते हैं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सबक हासिल की ये ज़रूर कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ये बताने की ज़रूर कोशिश करें कि लड़कियों का काम करना, अपनी रोज़ी रोटी कमाना, अपने घर वालों का बाजू बनना, ये अच्छी बात होती है, लेकिन एक जो हदूद व कयूद होती हैं उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और कभी अपने वालदैन को धोखा नहीं देना चाहिए, और वालदैन को भी ये चाहिए कि अपनी बेटियों को एक ख़ास वक्त तक बाहर, आप पहले कर लें बात। मैंने जिस तरह से बाबा मी ने जब मुझे जाने से पहले परमिशन दी कि आपने बेटा काम करना है, और मैंने इनको जैसे धोखा दिया, निकाह किया, तो उसकी आज मुझे सज़ा मिल रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, सबको मैसेज देना चाहूँगी, जो मैंने किया वो कोई भी बेटी और ना करे, क्योंकि हम लोग जब निकाह बताए बगैर करते हैं माँ बाप को, तो उसको यही सज़ा में होती है। जैसे आप बामे लेकर तो सैन ने मुझे डिनाई कर दिया, तो
सामने है मिसाल, तो बस यही मैं कहूँगी कि मैंने अपने अम्मी बू का दिल तोड़ा, अपने माँ बाप से मैं माफ़ी मांगूंगी, और जो मेरी जब तबीयत ठीक नहीं थी जो जो मैं कहती रही, तो अगर किसी की दिल आजारी हुई हो तो उन सब से मैं बस माफ़ी मांगना चाहूँगी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। मैं अगली बात यही कहना चाह रहा था कि वालदैन को चाहिए कि हदूदों के यूद में अपने बच्चों को रखें, एक ख़ास हद तक उनको इजाज़त दें, अगर साथ जा सकते हैं तो साथ जाएं, और उनको रात को कभी भी घर से बाहर रहने की इजाज़त ना दें। और लड़कियों को और लड़कों को सबको ये चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ आपके लिए लिख दी है वो आपको ज़रूर मिलेगी, उससे दुआ करें कि वो आपके लिए अच्छी चीज़ बने, उसकी दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो जब देने पे आता है तो ज़रूर देता है। हम थोड़ा सा जल्दी करके अपने हाथ भी जला लेते हैं, अपना मुँह भी जला लेते हैं, अपनी ज़ुबान भी जला लेते हैं, और अपने माँ बाप को भी तकलीफ़ में उनको मुबतला कर देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।